सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में तजारती जंग शुरू हो गई। सऊदी अरब ने मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने हेड ऑफिसेस दुबई से रियाज मुंतकिल करने के लिए पुरकशिश अमारात की पेशकश की है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान प्रोग्राम हेडक्वार्टर्स की जाती तौर पर निगरानी कर रहे हैं, जिसे दुबई में मौजूद कसीरुल कौमी कंपनियों के सदर दफातर को रियाज मुंतकिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सऊदी अरब के इस फैसले से हलीज में इसके सबसे अहम इतिहादी मुत्तहिदा अरब अमारात कुछ नाराज नजर आता है। सऊदी अरब ने दुबई में मौजूद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और ऑयल सर्विसेज की बड़ी कंपनी को हेडक्वार्टर्स रियाज मुंतकिल करने के लिए उन्हें पुरकशिश मारा देने का ऐलान किया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत सऊदी अरब को खित्ते का कारोबारी मरकज बनाने का हदफ मुकर्रर किया है, जिसके लिए जरूरी है कि मुख्तलिफ शोबों के गैर मुल्की सरमायाकार यहाँ अपने सदर दफातर मुंतकिल करें। इस विजन की तकमील के लिए सऊदी अरब ने जिन मशावरती कंपनियों की खिदमत हासिल की है, इनमें से एक कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने मीडिया को बताया कि सऊदी अरब कसीरुल कौमी कंपनियों के रीजनल हेडक्वार्टर्स रियाज लाना चाहता है, ताकि कंपनी के सीनियर क्यादत यहाँ काम करें और फैसला साजी के तमाम अमूर सऊदी अरब में अंजाम दिए जाएं। सऊदी अरब का मौकफ है कि दुबई के मुकाबले में सऊदी अरब एक बड़ी मार्केट है और रियाज खित्ते का कारोबारी मरकज बनने की सलाहियत रखता है। सऊदी वली अहद ने 27 जनवरी को एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस तलब की है, जिसमें सऊदी अरब के सरकारी इन्वेस्टमेंट और वेल्थ फंड्स भी हिस्सा ले रहे हैं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद कसीरुल कौमी कंपनियों को रियाज में अपने सदर दफातर मुंतकिल करने के लिए राजी करना है। इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस 2018 में भी हुई थी, लेकिन उस साल सऊदी निजाज हाफिज जमाल खशोगजी के कत्ल के बायस कई कंपनियों ने रियाज आने से इनकार कर दिया था। सऊदी अरब ने कसील कौमी कंपनियों को रियाज में हेड ऑफिसेज खोलने पर 50 साल के लिए टैक्स छूट देने और सऊदी शहरियों को नौकरी देने का कोटा खत्म करने जैसी पुरकशिश मारा देने का फैसला किया है। सऊदी अरब ने मुस्तकबिल में की जाने वाली कानून साजी में गैर मुल्की सरमायाकारी को मुकम्मल तहफ़ फराहम करने का वादा किया है। सऊदी अरब ने मुस्तकबिल के कारोबारी मरकज के लिए दारुल हुकूमत रियाज में किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट तैयार किया है, जहां बुलंदो बाला इमारात की तामीर का काम तेजी से जारी है। इनमें से कई इमारतें मुकम्मल हो चुकी हैं। बाज़ ज़राए का कहना है कि कुछ बड़ी कसीरुल कौमी कंपनी अपने हेड ऑफिस दुबई से रियाज मुंतकिल करने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। उनका कहना है कि दुबई सऊदी अरब के मुकाबले में एक लिबरल माशरा है, यहाँ राब्तों का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है। बाज़ कंपनियों को सऊदी अरब के सख्त मजहबी असर व रसूख के आला अहदेदारों पर भी तहफ़ुज़ात हैं। तहम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने गैर मुल्की सरमायाकारों को मुकम्मल आज़ादी देने का वादा किया है।